ये बताओ, आपने मुझे अभी अभी आकर बोला ना कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है, तो आपने मेरी स्पीच से क्या सीखा ये बताओ। वाह, एक्सरसाइज करोगे आप, राइटिंग भी करोगे? वेरी नाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये ब्लॉग जो है वो कोई वर्कआउट योगा से रिलेटेड ब्लॉग नहीं है, आज का ये ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, आज का ये ब्लॉग जो है वो कोई फैमिली ब्लॉग नहीं है। आज का ये ब्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास है ये ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग जो है वो एक मोटिवेशनल ब्लॉग है। आज का ये ब्लॉग जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर क्वीन शो टाइटल 2022 अपने नाम करने का ब्लॉग है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं और जो लोग फर्स्ट टाइम आज इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आई बॉर्न इन हरियाणा एंड आई मैरिड इन सहारनपुर। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप कहाँ से हैं, तो उन लोगों को आज इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि मैं जो है मेरा बॉर्न जो है वो हरियाणा में हुआ है एंड आई मैरिड इन सहारनपुर। ये कॉम्पिटिशन एक स्कूल में कराया जा रहा था, हरियाणा का ही स्कूल है, PCSIS प्राइम स्टेप इंटरनेशनल स्कूल। तो मेरी भाभी ने मुझे इस कंपटीशन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि दी आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो और आप भी यहाँ के लोगों को मोटिवेट करो। आप अपने ब्लॉग बनाते हैं, चैनल पर सब लोगों को बताते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को आप बताते हैं योगा के लिए, तो आप यहाँ के लोगों को भी लाइव जाकर मोटिवेट करो। फर्स्ट जो मेरा जो आंसर था वो ना था कि नहीं मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे। मेरी क्लासेस का जो है वो शेड्यूल रहता था, सुबह के टाइम मेरी क्लासेस होती हैं, वर्कआउट से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, तो बहुत कुछ मेरे माइंड में चल रहा था कि नहीं क्लासेस ऑफ करनी पड़ेंगी और मैं क्या करूँगी। लेकिन सडनली मेरे माइंड में आया कि यार जब मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और जब मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ दूसरे स्टेट में जाकर, तो क्यों ना करूँ, क्यों ना मैं यहाँ के लोगों को मोटिवेट करूँ। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि जब आप जहाँ पर आपका बोन हुआ है वहाँ के लोगों को आपको मोटिवेट करने का अगर मौका मिलता है, तो इससे अच्छा तो मेरे पास चांस था ही नहीं। और मैंने अपनी भाभी को कहा कि भाभी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो सारी फिलअप हुई, और जब मैं ये फॉर्म फिल कर रही थी मेरे माइंड में 1% भी नहीं था कि मुझे क्वीन शो टाइटल अपने नाम करना है, कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में। जो एक चीज़ चल रही थी वो सिर्फ ये कि किस तरीके से मैं यहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको मोटिवेट करूँ एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए। और अगर मैं अपनी अपनी स्पीच से, अपने टैलेंट से, अपने योगा से अगर मैं 2 से 4 लोगों को भी मोटिवेट कर देती हूँ तो मेरा एम जो है वो सक्सेस हो जाएगा, इतना मेरे माइंड में चल रहा था। और फाइनली वो डे आ गया 22 अप्रैल जब ये क्वीन शो जो है वो कंपटीशन होना था। तो ये कंपटीशन जो है वो कुछ 4 से 5 राउंड का था, जिसमें फर्स्ट रैंप वॉक था, सेकंड आपको अपना टैलेंट दिखाना था, थर्ड जो है वो गेमिंग राउंड था, एंड फोर्थ में आपको जो क्वेश्चनिंग राउंड था। इस तरीके से ये जो है सारा का सारा कंपटीशन था, 4 राउंड्स का या 5 राउंड्स का ये कंपटीशन था। आगे चलकर आपको इस ब्लॉग में सारे राउंड देखने को मिलेंगे। और ये ब्लॉग जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस ब्लॉग में आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो सुनेंगे, वो देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी कोई भी आपकी बात पर तभी बिलीव करता है, कोई भी जो है वो आपकी बातों से कहीं ना कहीं तभी कनेक्ट कर पाता है जब आप उसके सामने खुद की जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस रखते हैं। कहते हैं ना कि जब तक किसी
के साथ होता नहीं है ना, जब तक कोई देखता नहीं है तो वो उस पर बिलीव नहीं करता है। तो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी खुद की ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताकर कि किस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस गोल जो है वो अचीव किया। और इस कॉम्पिटिशन की जो सबसे खास बात थी कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुए, बहुत सारा प्यार मिला वहाँ के लोगों से। और सबसे जो मेरे लिए खास बात रही इस कॉम्पिटिशन की वो थी एक 5 साल की बच्ची, जैसे ही मेरी स्पीच ख़त्म हुई तो वो खुद मेरे पास आई और बोली कि आपकी स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भी योगा करूँगी, मैं भी एक्सरसाइज करूँगी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं पनीर खाऊँगी, जो मुझे अभी उसकी बातें अभी भी मेरे माइंड में गूंजती हैं। तो मेरे लिए ये कॉम्पिटिशन वही सक्सेस हो गया था, मेरे लिए कोई क्वीन शो टाइटल मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरे लिए वो सक्सेस थी कि चलो बड़े लोग तो समझ सकते हैं कि मैं उन्हें क्या बोल रही हूँ, वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन एक 5 साल की बच्ची वो अपना खेल छोड़कर बाकी चीज़ें छोड़कर वो अगर मेरी स्पीच सुन रही है और वो मोटिवेट हुई है, तो मेरा जो है वो वहीं पर सक्सेसफुल हो गया था उस दिन का जो कंपटीशन था। गाइस दे नहीं करते हैं, आप आगे चलकर उस कंपटीशन के सारे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग मेरे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको जो है एक साथ में ही बेल दिखाई देगी उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी ब्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं वो टाइमली आप तक पहुंच जाएं। चैनल पर रेगुलर मेरे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। फिटनेस के गोल को ही नहीं बल्कि आप ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम ये सोचकर
या आपने आप में से है कोई ऐसा, या आपने किसी को कहते हुए सुना है कि मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती है, बहुत जल्दी टायर्डनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी को नहीं पता होता, इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करते रहो। आपको जहां से मिल रहा है, जिससे
टाइम निकल जाता है। प्रायोरिटी वही बात मैं बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी सारा प्रायोरिटी का खेल है। अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो आप योग कर पाएंगे। और देखिए मदर्स को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि हम बैकबोन है अपनी फैमिली की, पूरा परिवार हमारे ऊपर बेस्ड है, पूरा परिवार जो है वो हमारे ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आज जो आप इसके मेहनती सीनेट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं ना, कल हमारे को एक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैं भी अपने लोगों में सीखी कि जब तक डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि आपको वेट कम करने की जरूरत है, मैंने भी नहीं किया था। और वही मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर कब आपके 3 दिन पूछ लेगा ना, और तब आपके सारे काम हो जाएंगे घर के, तभी होते हैं ना काम। तो सिर्फ आपको 30 से 35 मिनट निकालने हैं, आप अपने वर्कआउट के लिए प्लीज निकालिए। और देखिए जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अब मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी। मेरा जो वेट था 2015 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी जून 15 में, और मेरा वेट था होता 85 kg। और बिफोर एंगेजमेंट और शादी के बीच में 6 मंथ का डिफरेंस था, और उस 6 मंथ के बीच में मैंने अपना वेट जो है कम करके 90 kg के अराउंड मेरा वेट था। और जैसा कि हर लड़की की सोच होती है कि यार मेरा पति तो मेरे से बहुत प्यार करता है, मुझे क्या जरूरत है वेट कम करने की, जैसे उनको मैं वैसे अच्छी लग रही था, दुनिया बोलती है बोले तो जब मेरे पति को मैं पसंद हूँ तो बस हूँ ना, मुझे क्या जरूरत है। बड़ी सोच मेरी भी थी, बहुत लोगों ने कहा कि शादी में पैसे लेगा, ये करेगी, पेट दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, अच्छी नहीं लगेगी। मैंने किसी की भी सुनी, मुझे था, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में है, 6 मंथ के लिए आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं। तो हमारे इंगेजमेंट के बाद वो ऑन बोर्ड चले गए थे, हमारी जो बीच में बात होती थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के थ्रू होती थी, वीडियो में उन्होंने मुझे नहीं देखा था कि मैं क्या बन सकता हूँ। तो जब वो मुझे मिले आफ्टर 6 मंथ, तो उन्होंने देखते ही बोला कि अरे ये क्या कर दिया मुझे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैं जब मिली थी उनसे तो मुझे मेरी सिस्टर की शादी थी, मुझे आज भी याद है, मेरी सिस्टर की शादी मुझसे 1 मंथ पहले थी और मेरी 1 मंथ की बात थी। तो जब वो मुझे मिले तो ये क्या कर दिया। तो वही होता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो सच सच के तैयार हो गए, पर वही आपको आते थे ये क्या कर दिया। थोड़ा लगा बट थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा अरे कृष्णी कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे बीच में स्टडी छोड़नी पड़ी और शादी का डिसीजन लेना पड़ा। तो उसके बाद जब मुझे अभी 3 ही महीने हुए थे, और देखिए किसी लड़की ने अपने घर काम किया है नहीं किया है ससुराल में जाकर, ये फैक्ट है, सबको करना पड़ता है और कोई भी लड़की ऐसे नहीं बैठ सकती, तो मुझे भी करना पड़ा। और जब मैं खड़े होकर खाना बनाती थी, रोटी स्पेशली जब बनती थी, तो मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। अब ऐसे में प्रॉब्लम थी, किससे शेयर करूँ, देखो ससुराल वालों से
राधिया क्लिप्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। सारे पार्टिसिपेंट्स की वीडियो क्लिप्स ऐड करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर कुछ 26 to 27 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट आप कुछ पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर लास्ट जो 7 पार्टिसिपेंट्स चूज़ किए गए थे फाइनल राउंड के लिए, उनमें से 5 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब 5 जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके मैं अपना नंबर आप लोगों को, मैं एक्चुअली रिसेप्शन पे भी अपना नंबर देके जाऊंगी, किसी को भी ज़रूरत हो ना आगे, किसी फीमेल को कोई भी हो तो आप मेरा नंबर इजीली वहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं तो यूट्यूब में चैनल को समझ में नहीं आया। हाँ कौन सा चैनल पर आप? हाँ चैनल देना। हाँ मैं चैनल भी अपना लिख दूँगी। थैंक यू सो मच। सो गाइज ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी, ये थे सारे के सारे राउंड जो आपने देखे कि किस तरीके से मैंने क्वीन टाइटल 2022 अपने नाम किया। और मेरे लिए क्वीन टाइटल से भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था यहाँ के लोग जिनसे मैं जुड़ी, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार मिला इन सब से। बहुत अच्छा लगता है जब आप दूसरे स्टेट में जाके परफॉर्म करते हैं, और अगर आपकी परफॉर्मेंस से सिर्फ एक भी पार्टिसिपेंट, एक भी वहाँ पर जो प्रेजेंट लोग हैं, अगर वो आपसे मोटिवेट हो जाते हैं तो आपका वहाँ पर जाना सक्सेस हो जाता है। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो थी वो छोटी सी लड़की, वो छोटी सी गर्ल
जिसने आते ही सबसे पहले बोला कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, मैं भी डाइट करूँगी, मैं भी योगा करूँगी, मैं भी एक्सरसाइज करूँगी. Now finally say bye bye to Prime Step International School. The school thank staff you. Is thank very you. Nice thank and thank you so much guys for giving me a chance to perform here. Thank you so much. सो गाइज अभी आपने देखा कि किस तरीके से क्वीन शो टाइटल 2022 मैंने अपने नाम किया. और देखिए जब एक छोटी सी बच्ची को ये बात समझ में आ सकती है, एक 5 साल की बच्ची जिसको ये समझ में आ सकता है कि हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो आप लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जो लोग ये कहते हैं कि मैम कैसे कर लें हम एक्सरसाइज, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा सुबह से लेकर रात तक इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम कैसे टाइम निकालें, तो आप लोगों के लिए बता दूँ ये सारा प्रायोरिटी का खेल है. आप देखिए आपको पता है कि खाए बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता है कि हमारा काम किए बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वर्कआउट की क्या ज़रूरत है, काम चल रहा है ना, तो क्यों मैं अपना टाइम उसे दूं, क्यों मैं अपने 30 से 35 मिनट उसके लिए दूं. लेकिन वहीं पर जब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो वो आपके 2 से 3 दिन ऐसे खींच लेते हैं. तब भी तो आपके पीछे से सारे काम होते हैं ना, आपके घर के काम भी होते हैं, आपका ऑफिस का काम भी होता है, आपके बच्चों का ख्याल भी रखा जा सकता है. तो आप क्यों ना पहले से ही अपना वर्कआउट कर लें, आप क्यों वो टाइम आने दें, क्यों वो नौबत आने दें कि जब डॉक्टर्स के पास जाना पड़े. तो पहले से ही अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप को फिट रखिए. थोड़े से 30 से 35 मिनट का सिर्फ आपको टाइम निकालना है, वो निकालिए. अपने आप जिस तरीके से काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने खाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने वर्कआउट को भी प्रायोरिटी दीजिए. और फीमेल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आप फिट रहेंगी तो आपका परिवार फिट रहेगा. आप फिट हैं, देखिए आप जो हैं वो अपने परिवार की बैकबोन हैं, परिवार जो है वो पूरा का पूरा आपके ऊपर बेस्ड है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए. आफ्टर ऑल अ फिट मॉम मेक अ बेटर, फिटर एंड हेल्दियर हाउस. सो प्लीज़ Do work out and be fit.